लखनऊ से बड़ी खबर है, जमीन पैमाइश में लापरवाही बरतने पर एक्शन हुआ है। 3 जिलों के 6 SDM पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है आदेश और आगरा में फतेहाबाद खैरगढ़ बाहू का मामला, फतेहाबाद खैरगढ़ बाहू के SDM पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गाजीपुर सदर सैदपुर के SDM पर भी कार्रवाई के निर्देश और सुल्तानपुर की सदर तहसील से जुड़ा ये पूरा मामला है। जमीन पैमाइश का निस्तारण 5 साल से अटका है। SDM के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश अब दे दिए गए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं लखनऊ से। तुषार, जमीन पैमाइश में लापरवाही बरतने पर ये बड़ा एक्शन माने? बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं तो कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग से लेकर समीक्षा बैठक की थी और ये समीक्षा बैठक दुर्गा शंकर मिश्रा यानी चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में हो रही थी, जिसमें कई SDM और तहसीलदारों को नोटिस भी जारी किया गया था। अब जमीन पैमाइश में लापरवाही को लेकर CM योगी ने 3 जिलों के 6 SDM पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। आपको बताऊं तो इसमें आगरा साथ ही आगरा के फतेहाबाद खैरगढ़ और बाग तहसील के SDM पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। गाजीपुर के सदर और सैदपुर तहसील की साथ ही सुल्तानपुर के सदर तहसील की पैमाइश जो SDM है उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पैमाइश में लापरवाही बरतने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। हालांकि आपको बताऊं तो जो समीक्षा बैठक की गई थी उसमें कई खामियां सामने आई थी। अब एक जो बड़ी खामी आई जिसमें ये कार्रवाई की गई है, तो 5-5 साल से जो पैमाइश की फाइलें हैं वो लटकी हुई है, वो मामले लटके हुए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। फतेहाबाद के SDM है JP पांडे, खैरगढ़ के अरुण कुमार यादव, बाघ के रतन कुमार वर्मा, सैदपुर के पुष्पेंद्र पटेल, गाजीपुर सदर के SDM चंद्रशेखर के खिलाफ ये विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया। साथ ही सुल्तानपुर सदर के बड़ा एक्शन लेना की का जो आदेश है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार इस जानकारी के लिए।